हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्टार्टिंग से, ब्लड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस का जो पार्ट है, ठीक है, 10th क्लास बायोलॉजी। ठीक, तो ब्लड ब्लड है क्या? ब्लड इज़ अ रेडिश कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कैसा है? एक टिश्यू ही है, लेकिन कैसा टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, जैसे कि आपने 9th में बहुत सारे टिश्यू के टाइप पढ़े होंगे, उनमें से एक ये है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, रेड कलर का होता है, दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, उन ब्लड वेसल्स की बात करी जा रही है जिनमें ये फ्लो होता है। वेसल्स मतलब मान लीजिए छोटी छोटी पाइप्स हैं, ठीक है, पतली पतली, छोटी नहीं पतली। ठीक, इन द ह्यूमन बॉडी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड O2 टू द ऑल लिविंग सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 फ्रॉम देम। क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को? भाई O2 प्रोवाइड करता है, हमें पता है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे जितने भी बॉडी के लिविंग सेल्स हैं उनको, और रिमूव क्या करता है वहाँ से? वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है भाई? CO2। ठीक, तो ये O2 और CO2 का एक्सचेंज, ठीक, बेसिकली ये ब्लड करता नहीं है, लेकिन ये हेल्प कर रहा है O2 और CO2 की एक्सचेंज में, कि लिविंग सेल से O2, लिविंग सेल्स को O2 दे रहा है और लिविंग सेल से CO2 जो है वो रिमूव कर रहा है। ब्लड जो है फिर आगे किन चीज़ों से बना है भाई? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसल्स, या आप कह सकते हैं ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 50 to 60% वाटर कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स हैं, CO2 हैं, और ब्लड कॉर्पुसल्स में आते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में इनके बारे में, अभी के लिए आप ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आता है, व्हाट इज ब्लड? एक्सचेंज करता है। ठीक, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ये नोट डाउन कर लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज ब्लड। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है? ब्लड के जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें क्या है? एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन नाम का, ठीक, जो ब्लड को कलर देता है, कैसा? रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HB। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी नहीं, हम मेडिकल में जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे हमारे ग्राम्स में आता है। तो जो ब्लड ग्राम्स में आया है वो एक्चुअली हमारा ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है। ठीक, तो HB जो है वो कंबाइन करता है O2 के साथ, O2 से कंबाइन करने के बाद वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो CO2 है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक, वो HB के साथ इतना एफिनिटी नहीं रखता, और CO2 के लिए उसको उसको कंबाइन नहीं करता उसके साथ। तो इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द लंग्स बाय डिजोल्विंग इन द ब्लड। ये ब्लड के प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल है वाटर में, इसलिए जो लंग्स से हैं, फिर लंग्स जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हमने लंग्स पढ़ा है, मतलब कि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, हमने वहाँ देखा CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ठीक, आगे जो एक्सचेंज जो है वो हम इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम ब्लड के बारे में जान लें तो ब्लड क्या ही है? O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट। या अब RBC के बारे में देखते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। इट हैज़ HB विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। तो RBC का काम क्या है? RBC का बस यही काम है, वो HB को कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है रेड होता है। WBC जिन्हें ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, वो डिजीजेस से फाइट करते हैं, और कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके। नेक्स्ट आती है प्लेटलेट, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, कैसे कोई भी इंजरी हो गई है तो वो फटाफट से अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे कि खून जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं बहता, एक बार खून जो है निकलने के बाद जम जाता है, तो वो जमने का कारण जो है, वो रुकने का कारण है प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, इसलिए वो जो खून है वो बहता नहीं रहता, रुक जाता है प्लेटलेट्स के कारण। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग अ वाउंड और इंजरी। तो इसको लिख लीजिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सर्कुलेशन क्या है, हर्ट का काम क्या है, ठीक है, कैसे सर्कुलेशन है, बहुत ईजी वे में करेंगे। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।